जैसे आपको पता है कि कुर्बानी की ईद थी और आपने पहले ही कहा था कि हम इस वक्त अच्छी सर्विस देंगे और जो भी कुछ खाले होंगी या बाकी कुछ ऑफल्स होगा वो हम सड़कों से हटाएंगे। लेकिन कुछ दिनों से देखा जा रहा है, अपने अपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा और आज अपने नवा बाजार, सेहतगंज और बाकी इलाकों में देखा कि अभी भी वो खाली सड़कों पर पड़ी हुई है और जो कुर्बानी के जानवरों के सर हैं वो सड़कों पर पड़े हुए अभी तक नहीं हटाए गए। तो क्या कुछ जी देखिए, हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि शहरी श्रीनगर में एक हूपुरुष द्वारा ये घर घर से कलेक्ट किए गए। आपने देखा होगा कि जो भी हाइड्स है हमने कल दिन में भी सारा कुछ साफ किया। अभी कुछ एक इलाकों से आपके पास शिकायतें आई हैं तो हम उसमें भी अभी नोटिस लेंगे कि वहाँ के वार्ड अफसरों ने मतलब काम अच्छी तरह से क्यों नहीं किया या हूपर फैसिलिटी वहाँ पर क्यों नहीं गई है आज दिन में। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शहर साफ रहे और आपने देखा होगा कि कल भी और परसों भी, पहली ईद को और दूसरी ईद को भी हमने सफाई का पूरा ख्याल रखा है। शहरी श्रीनगर में जो भी हाइड्स थे हमने वो कलेक्ट किए, घर घर जाके कलेक्ट किए और उनको डंप किया वहाँ पे। और लोगों को भी इस्तेदा करते हैं कि ऐसी जो हरकत है न करें, अगर उनके पास कुछ हाइड्स है वो हमें फ़ोन पे मुतला करें, हम गाड़ी भेजेंगे और उनके घर से ही उठाएंगे। अपने सर कुछ दिन पहले हमारे हमारे साथ बात करते हुए कहा था कि हमने लोगों से कहा कि आप हमें कॉल कीजिए अगर आपके पास कोई होगा। क्या आपके पास अभी तक कोई कॉल आया है या आपने कोई नंबर आप जो है इजरा किए थे? देखिए, हमने इसमें हेल्पलाइन भी रखी थी, हमने लोगों को नंबर भी दिए थे और सबसे बड़ी बात जो है कि हमने हर एक इलाके में हूपर सर्विस रखी थी। जो भी वहाँ पे कॉल करता, जिसको भी कुर्बानी करनी थी तो उनको कॉल करके जो भी हाइड्स थी उनको देनी थी। हमने घर घर जाके हूपर सर्विस प्रोवाइड की है। मैंने कहा आपको कि कल दिन में भी ऐसी कोई शिकायत हमें मौसूल नहीं हुई। हालांकि आज आप देख रहे हैं कि कल देर से लोगों ने कुर्बानियाँ की हैं, आज सवेरे भी चालू थी। आप कह रहे हैं कि दो वाला कुछ है, ऐसी शिकायतें हम उसका संजीदगी के साथ नोटिस लेंगे।